हेलो फ्रेंड्स, होटल में हम जाते हैं तो सबके जुबा पे एक ही दो चीज़ें ही गिनी चुनी आती है, मंचूरियन या पनीर चिली। तो ये रेसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ ना, उससे भी डिलीशियस टेस्ट है। और इसकी खास बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे ही मिल जाएगी, घर पे ही मिल जाएगी, आपको अलग से बाज़ार में कुछ भी लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके साथ ही अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 5 आलू लिए हैं, इसको अच्छे से धो लिया क्योंकि हम लोग स्किन का भी यूज़ करेंगे इसमें। इसको इस तरह से काट लीजिए, इसके बाद हाफ़ का भी हाफ़ कट कर लीजिए। और अगर आलू थोड़ा छोटा हो तो 2 स्लाइस करिए, नहीं तो इसके भी 3 स्लाइस कर लीजिए। तो हमें इस तरह से आलू को कट करना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। तो 5 आलू को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने पानी लिया है तो डायरेक्ट उसको पानी में ही डाल देंगे। सारे आलू मैंने इस तरह से पानी में डाल दिए हैं, इसको वापस से एक दो बार धो लेंगे अच्छे से ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। अभी यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा था, तो पानी मेरा जो है वो गर्म हो गया है, भाप निकलने लगी है, तभी मैंने ये आलू सारे उसमें डाल दिए है। और 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून विनेगर डाल दिया है। इसको हमें मुश्किल से 4 मिनट ही बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं बॉईल करना है। 4 मिनट के बाद इसको बिना देखे ही निकाल दीजिए बाहर एक बॉल में। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैदा लिया है, 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसको आप टॉस कर लीजिए। टॉस करने के बाद आप इसके ऊपर 1-2 घूंट पानी के हल्के हल्के छींटे डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, इसके अंदर मैंने 2 ऑनियन लिया है, 1 कैप्सिकम लिया है और 1 रेड बेल पेपर लिया है। तो इसको मैंने डाइस में कट कर लिया है और बीच का जो ऑनियन का पार्ट है ना, वो हम लोग इसको छोटा कट कर लेंगे। तो जो दोनों ऑनियन के ऊपर के छिलके हैं ना, मैंने इस तरह से डाइस कट कर लिए हैं। इसको हमें 1 मिनट से कम ही फ्राई करना है। तो आलू फ्राई करने से पहले हम ये वेजेस फ्राई कर लेंगे। होटल में इसी तरह से फ्राई करके ही वेजेस को देते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी हमने जो आलू की चिप्स बनाई थी वो डाल देंगे। तो 2 बैच में मैं तल रही हूँ, आपके जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से तल लीजिए। तो इस तरह से 1-1 करके डाल दीजिए और फिर इसको 1 मिनट तक आपको चलाना नहीं है। डालने के बाद ऐसे ही इसको होने दीजिए। तो इसका जो हमने जैसे उसको कोट किया था फ्लोर में, वो अच्छे से उसमें चिपक जाए और थोड़ा सा तल जाए, तब तक हमें इसको चलाना नहीं है। 1 मिनट के बाद आप इसको हल्के हल्के सहारे से चला लीजिए। आप देख सकते हैं इतना ब्राउन हो जाए तभी आपको ये चिप्स निकाल लेनी है। मैंने 1 ही बार तला है, आप अगर 2 बार तलना चाहे तो भी आप 2 बार फ्राई कर सकते हैं। ये दूसरा बैच में डाल रही हूँ। दोनों आलू के बैच को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, तब तक हम एक घोल बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉल में मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 घूंट पानी लिया है और इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर पानी में अच्छे से मिल जाए, उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दीजिए, 1 टीस्पून विनेगर डाल दीजिए, 1 टीस्पून चिली सॉस डाल दीजिए और 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल दीजिए, आपको कितना मीठा पसंद है वो हिसाब से। इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको रख देते हैं साइड में, हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा बैच भी तल के रेडी हो गया है, इसको भी हम निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई ली है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसके बाद 2 ऑनियन का मैंने जो बोला था बीच का पार्ट, तो उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। 15 से 17 लहसुन की कली को छोटा छोटा काट लिया है, दोनों हम पहले डालेंगे और इसके बाद 2-3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर होने देंगे। इसके बाद 2 मिर्ची ले है, इसको मैंने लंबा काट के डाला है, 1 अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाला है। अभी जो हमने ग्रेवी बनाई थी, स्लरी बनाई थी, वो थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे।
ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे तले पे बैठ नहीं जाए। तो तीन बैच में मैंने इस तरह से इसको स्लरी को डाला है। अभी इसको हमें 3 से 4 मिनट पका लेना है। इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, फ्रेश कुटी हुई। थोड़ा सा नमक, नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमें जो भी हम लोग सॉस डाल रहे हैं उसमें सब में नमक होता है। 3 मिनट के बाद इसमें पानी डाल दें। हाँ, आपको कितनी गाढ़ी करनी है सॉस उस हिसाब से पानी डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है। 2 से 3 टेबलस्पून आप शेजवान सॉस डाल दें। अभी इसको वापस से 3 से 4 मिनट पका लीजिए अच्छे से। सॉस हमारा रेडी हो गया है। जो वेजीज हमने फ्राई किए थे वो सब डाल देंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। कितना डिलीशियस लगता है देखने में ही, खाने में तो बहुत ही बढ़िया है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ये। तो हमारा टेस्टी सा चिली पोटैटो बनके तैयार है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बोलिए कि कैसा लगा आपको। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन से इसको गार्निश किया है और थोड़ा सा धनिया डाला है। आप होटल में ऑर्डर करेंगे ना तो इतनी रेसिपी का कितना चार्ज लेंगे आपसे। ये बहुत ही आसानी से घर पे बन जाए।